यही जवान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर किबूथू तक हमारी दूर सुदूर फैली हुई सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई, ये सभी खतरे हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अलग अलग बल के जवानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहां पर रहकर वो अमर जवानों के बलिदान की भावना को पुष्पांजलि करने का, श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला है। यही जवान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर किबूथू तक हमारी दूर सुदूर फैली हुई सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। यही जवान है जो दिन हो या रात, उत्साह हो, उत्सव हो या आपदा, तपती गर्मी हो, बारिश हो या शीतलहर, हम सभी की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। -50 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +50 डिग्री टेम्परेचर तक सीमाओं पर अड़ीग रहकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। आज मैं राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर इन वीर सपूतों को नमन करता हूं और उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है उनके परिजनों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करकर मैं इनकी श्रद्धांजलि को जनता के सामने रखने का काम करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो पुलिस स्मारक की मध्य में एक अड़िग शिला दिखाई पड़ती है, वो शिला हमारे जवानों के कर्तव्य पर चलने के अड़िग फैसले का प्रतीक, हमारे जवानों की प्रखर देशभक्ति का भी प्रतीक है और हमारे जवानों की देशभक्ति से प्रेरित होकर सर्वोच्च बलिदान देने की उत्कंठा का भी प्रतीक। हम सभी जानते हैं कि आज के दिन ही 1959 में सीआरपीएफ के 10 जवानों ने चीन की सेना का डटकर मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। इसीलिए इस दिन को पुलिस स्मृति दिन के रूप में हम सब मनाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने तय किया कि दिल्ली की हृदय स्थली के अंदर इनके बलिदानों के सम्मान के रूप में एक पुलिस स्मारक बनाया जाए जो सालों सालों तक युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे, सालों सालों तक हमारे देश भर के नागरिकों को स्मृति दिलाता रहे कि आज हम सुरक्षित हैं, हम विकास के रास्ते पर आगे चल रहे हैं, हमारे परिवार चैन की नींद सो रहे हैं। इसके पीछे ये हजारों बलिदानियों का सर्वोच्च बलिदान है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि 36,468 पुलिस के जो जवानों ने, अलग अलग बल के कर्मियों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसी के चलते आज देश इतनी प्रगति कर पाया है कि विगत एक दशक के अंदर कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व के ये तीनों क्षेत्र जो अशांति के लिए सालों से हमारे लिए चिंता का विषय बने थे, ये 10 साल में हमारे जवानों के कर्तव्य के चलते, हमारे जवानों के कर्तव्य परायणता के चलते आज हम उसमें करीब करीब संपूर्ण शांति प्रस्थापित करने में सफल हुए हैं। मगर आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। ड्रोन की उभरती हुई चुनौती, नारकोटिक्स का कारोबार, साइबर अपराध, एआई का उपयोग कर
अनेक प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयोग, धार्मिक भावनाओं को उकसाने के षड्यंत्र, घुसपैठ, अवैध हथियार की तस्करी और आतंकवाद, ये सभी खतरे हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। परंतु मुझे आज यहां से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। देश सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहेगा। 2047 में भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र हो, ये सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जनता के सामने रखा है, इसको सिद्ध करने के लिए हमारे देश भर के पुलिसकर्मी दृढ़ निश्चयित हैं और अपने पथ पर चलने के लिए अडिग निश्चय के साथ खड़े हुए हैं। आज देश का हर एक नागरिक अपनी चार दीवारी के अंदर चैन से सोता है, इसका मूल कारण हमारे जवानों की ये अडिगता है।